हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग देश विदेश की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, रिव्यू करते हैं, आप लोगों को बताते हैं क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में, और हम काम करते हैं एज अ एजुकेशन एक्टिविस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ECA के बारे में, या फिर मान लीजिए इसको WES, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज के बारे में, क्योंकि सब लोग इसको वेस के नाम से ही जानते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट बाहर जाता है या कोई भी जाता है PR के लिए कनाडा जाना चाहता है, तो उसको जरूरत पड़ती है वेस करवाने की, अपने डॉक्यूमेंट्स को एसेस कराने की, क्रेडेंशियल लेने के लिए और डॉक्यूमेंट्स को वैल्यूएट करवाने के लिए कि उनके डॉक्यूमेंट्स सही में जहाँ से उन्होंने लिए हैं, जिस यूनिवर्सिटी से लिए हैं, वो वैलिड है या नहीं। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बहुत कुछ इसके बारे में, जैसे कि इसकी फीस क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इन सभी में, और क्या गलती आप गलती से भूलकर भी ना करें कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, कितना वक्त लगता है, सब कुछ। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ ताकि हम बता सकें आपको सब कुछ इन सब के बारे में। दोस्तों, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले जो हम लोग वीडियो बनाते हैं एजुकेशन के बारे में अपने इस चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि ज्यादातर लोग आधी ज्यादातर वीडियो देखकर पीछे हट जाते हैं, पूरी चीजें नहीं समझ पाते हैं, और बाद में हम लोग कमेंट करते हैं हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर और पूछते हैं क्वेश्चंस, बट जबकि उनके सब क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में ही होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूं ECA क्या होता है। ECA होता है एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, मतलब कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक्रेडिट किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए इस चीज को, जैसे हम यहां पे इंडिया में यूनिवर्सिटीज को ग्रेड मिलती है NAC की तरफ से, ABC जो भी ग्रेड्स मिलती हैं, उसी तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है और बताया जाता है जिस यूनिवर्सिटी से आपने वो कोर्सेज किए हैं या जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी क्वालिफिकेशन ली है वो कहां तक वैलिड है और कहां तक वो ठीक होगा आगे कोर्स करने के लिए। दोस्तों, वैसे तो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई और डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए अपने पास यहां पर 5 एजेंसीज के नाम आते हैं, बट सबसे जो फेमस है वो है वेस, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। सब लोग यहीं से करवाते हैं क्योंकि ये फास्टेस्ट एक सर्विस है वेस से कराने के लिए। अब दोस्तों, इन पांचों के मैं आपको नाम बता देता हूं, पहले आप ये नाम समझ लीजिए। एक है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज वेस, जिसका मैंने आपको बताया। दूसरा, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस असेसमेंट सर्विसेज, मतलब कि IQAS। मैं आपको एक बात IQAS के बारे में बता दूं, हमारे पास कई लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, उन लोगों को मैंने बताया। एक ने मुझे सवाल किया कि उसने फिजियोथेरेपी कोर्स किया हुआ है, अब वो बाहर जा रहा है, अपने डॉक्यूमेंट्स को एसेस करवा रहा है, वेस में भेजे बट डॉक्यूमेंट्स को असेसमेंट नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि आपको ये अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने चाहिए थे IQAS के पास। और या फिर जितने भी लोग फार्मास्यूटिकल करते हैं या फिर जो भी लोग फार्मेसी की पढ़ाई करके आते हैं, उन लोगों को भी IQAS के पास अपने ये डॉक्यूमेंट्स को भेजना चाहिए। फिर अगली एक सर्विस, तीसरी सर्विस आती है जिसका नाम है कंपैरेटिव एजुकेशन सर्विस यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मतलब CES। यहां पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हैं। एक और है इंटरनेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट सर्विसेज ऑफ कनाडा, यहां भी आप ICAS बोलते हैं, यहां भी आप भेज सकते हैं। एक और है इंटरनेशनल क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन सर्विस ICES। दोस्तों, मैंने ये जगह आपको बताई, बट पहले सबसे पहले सब लोगों की चॉइस और सब लोगों की फर्स्ट डिमांड जो होती है ये WES ही होती है, यही सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें जो आपको जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है। सबसे पहली चीज, जब भी आप अप्लाई करेंगे वेस के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दोस्तों, मैंने देखा है कि एजेंट्स लोगों को, या फिर मान लीजिए हमारे पास भी कई लोग अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं वेस करवाने के लिए, अटेस्टेशन कराने के लिए या वेरिफिकेशन के लिए, बहुत लोग हमें डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। तो करना क्या है, अगर आप वेस के लिए भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट्स अपने, या भेज रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ECA ही मेन ये होता है भेज रहे हैं उसके लिए, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं। आपको लोग क्या करते हैं, एजेंट लोग क्या करते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर्स, फोटो, आधार, सब कुछ ले लेते हैं। इन सब की जरूरत नहीं है, जरूरत है आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन की, आपकी ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, या जो भी कुछ आपने किया हो। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर मान लीजिए कि आपने MBA किया है, पहले आपने कोई भी कोर्स किया हुआ था, ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो MBA को जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो 1 साल का मानती है। क्योंकि एक बात और आप समझें इसमें, कि कनाडा में जो होता है ग्रेजुएशन वो 4 ईयर्स का होता है, बट हमारे पास जो होता है इंडिया में वो 3 ईयर्स का होता है। तो ये भी एक उसके पीछे पॉइंट है। अब आप करेंगे क्या, आप जब डॉक्यूमेंट्स देते हैं, या मान लीजिए हमें आपने डॉक्यूमेंट्स दिए वेस कराने के लिए, तो आप सिर्फ हमें वो मार्कशीट्स भेजिए जहां से आपने प्रीवियस अपनी एजुकेशन ली है।
उसी के बेस पे आपका असेसमेंट होगा, जो आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन है उसी बेस पर होता है। हमेशा वो डॉक्यूमेंट्स भेजिए। और शुरू में लॉगिन करने के लिए आपको अपनी ओरिजिनल डिग्री नहीं चाहिए, ओरिजिनल डिग्री की जरूरत नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट की भी जरूरत नहीं है, ये जरूरत पड़ेगी बाद में। दोस्तों उससे पहले मेरी एक एडवाइस है आप सभी को, जब भी आप लोग चाहते हैं कोई भी अपने वेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट भेज रहा है उसी वक्त से अपनी आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए और साथ में ही आइल्स की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। क्यों, लोग क्या करते हैं, पहले हम फॉर्म डालेंगे, पहले ट्रांसक्रिप्ट लेंगे, अप्लाई करेंगे, वेस्ट कराएगा, उसके बाद हम लोग आइल्स की तैयारी करेंगे। आइल्स की तैयारी आप पहले करनी शुरू कर दो, ये प्रोसेस साथ साथ चलता रहेगा। तो आपने हमें डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, हम उसकी पहले एंट्री कर देंगे। एंट्री करने के बाद में आपकी जो डिग्री है, डिग्री आएगी, डिग्री ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल एक बात और समझिए, ओरिजिनल तो चाहिए आप लोगों को, आपके पास ओरिजिनल डिग्री का होना बहुत जरूरी है, बट जो हमें आप देंगे वो देंगे उसकी फोटोस्टेट, फोटोकॉपी, हमें ओरिजिनल की कोई जरूरत नहीं है। साथ में ही जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, ट्रांसक्रिप्ट की कॉपीज जो मिलती हैं, एक जो आपकी सील्ड एनवेलप जो कॉपी है, एक बात को याद रखना आप मेरी बात, कई बार आप जाते हैं यूनिवर्सिटी अप्लाई करके आते हैं, एक कॉपी अपने ले आते हैं, देख लेते हैं, जब आपने अप्लाई किया किसी यूनिवर्सिटी में उसी वक्त वहां खोलकर उस एनवेलप को देखिए, क्या उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सील है, क्या उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से साइन है, सब कुछ है तो ही वो डॉक्यूमेंट आप रिसीव कीजिए। और साथ में उन लोगों को बोलिए इमीडिएटली पोस्ट करने के लिए वेस्ट को। आप जब रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, मान लीजिए आपने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए और हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक एड्रेस और एक नंबर आता है, वो नंबर और एड्रेस वो जहां पर वो जाएगा वहां से ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी से, वो नंबर से मेंशन करना होता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यूनिवर्सिटी जाइए, उनसे वो एनवेलप ले लीजिए, और हर यूनिवर्सिटी में एक कुरियर फैसिलिटी होती है या फिर पोस्टल फैसिलिटी होती है, वहां से उसको आप खुद पोस्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप वहां से ले आए और अगर आपने मान लीजिए कि आप रहते हैं गुजरात में और आपने किया कोर्स कहीं भी मेवाड़ यूनिवर्सिटी से कर लिया आपने कोर्स, वो राजस्थान में यूनिवर्सिटी है, और आप लेकर गुजरात में आगे पोस्ट कर दिया, तो वो वैलिड नहीं होगा। आपको वो वहीं जाकर चित्तौड़गढ़ से ही जाके आपको वो करना होगा। अगर आप कहीं और से जाकर ये कुरियर कर देते हैं तो वैलिड नहीं होगा, ये एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो सकती है, तो वहीं से आप भेजिए। तो आप क्या भेजेंगे, अपने डिग्री की फोटोस्टेट, ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट जाएगी, साथ में जाएगा आपका वो वेस्ट का नंबर जब आपने फॉर्म फिल किया, और साथ में ही जाएगा आपके एड्रेस जो आप उस पर मेंशन करेंगे, ये चीजें साथ में चली जाती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसकी फीस के बारे में, फीस आपकी कितनी लगती है। कैनेडियन डॉलर्स की हम बात करें तो टोटल $220 आप मान लीजिए, या ऐसे अगर आप INR में बात करते हैं लगभग 12,500 की फीस लगती है आपकी वेस्ट करवाने के लिए। साथ में जो भी कंसल्टेंट का एक आपकी कंसल्टेंसी आपसे लेगा वो एक अलग चीज है, वो जो भी आप लोगों का तय होता है, बट फीस इतनी लग जाती है। फिर ये जाने के बाद में आप जब वहां से कॉपी आती है दो तरह से। अब दोस्तों इसके बाद वेस्ट आपको एक ऑप्शन देता है, दो ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, कि आपको जो अपना भी वेस्ट का सर्टिफाइड, जो आपने वहां से एक सर्टिफिकेट ले रहे हो, वेस्ट एक सर्टिफिकेट ही आपको वो देता है, वेस्ट जो कंसर्न अथॉरिटी को भेजता है आपके डॉक्यूमेंट एसेस करने के बाद में। दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है एक्सप्रेस डिलीवरी, डोर स्टेप्स डिलीवरी बोल सकते हो, जो अपने घर मंगा सकते हो, एक होता है स्टैंडर्ड डिलीवरी। तो दोस्तों मेरी जो एडवाइस है आप लोगों को, आप स्टैंडर्ड डिलीवरी का ही चयन करें, क्योंकि इसकी जो हार्ड कॉपी होती है वो कभी भी लाइफ में आपके यूज में नहीं आती है। और दूसरा जो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि आप पहले आईलेट्स की तैयारी शुरू कर दो, इसलिए बोला था क्योंकि 5 साल की वैलिडिटी होती है इसकी, आपने एक बार कर लिया कंप्लीट तो 5 ईयर्स तक ये वैलिड है, ऐसा नहीं है कि आईलेट्स करोगे आप जब तक उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अब मैं आ रहा था स्टैंडर्ड पे और एक्सप्रेस डिलीवरी पे। तो एक्सप्रेस डिलीवरी आप लेते हो उसमें आपके लगते हैं $85, आप लेते हो स्टैंडर्ड डिलीवरी उसके ऊपर लगते हैं $7। तो बेहतर है कि आप लोग जाइए $7 के साथ, हार्ड कॉपी की जरूरत वैसे भी नहीं है और वैसे ही उसकी कॉपी आपको ऑनलाइन पर भी मिल सकती है। तो बेहतर है कि आप जाइए स्टैंडर्ड डिलीवरी के साथ में और अपने वो डॉक्यूमेंट्स को आगे चलने दीजिए, और साथ में ही आईलेट्स की तैयारी करते रहो, तभी आप उसको क्रैक कर पाओगे, तभी आप जा पाओगे जो कुछ आप सोच रहे हो फ्यूचर में करने के लिए। अब दोस्तों होता क्या है, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोर्स किया हो, दोस्तों मैं अपनी कई बार मैंने और मेरी टीम ने हमने वीडियोस बनाई हैं, आपको बताया है डॉक्यूमेंट्स आप कैसे वेरीफाई कराएंगे। अब लोग फिर भी वेरीफाई नहीं कराते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जाते हैं, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए हम लोगों से, कॉन्टेक्ट कीजिए किसी कंसल्टेंट से, अपने डॉक्यूमेंट्स मंगाइए जल्द से जल्द। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जब भी आप साथ में ये डॉक्यूमेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग लेते हो, मैं अक्सर बताता रहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई जरूर कराएं, वेरिफिकेशन लेटर अपने पास रखें, और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि वेस्ट तभी होगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होंगे, वो यूनिवर्सिटी जेन्युइन होगी।
आप यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी पड़ताल करें, पूरी जांच करें। आप डॉक्यूमेंट्स को निकालने में अगर आप असक्षम हैं, आप नहीं निकाल सकते, आप केपेबल नहीं हो, नहीं जा सकते हो, प्रॉब्लम है, बहुत वेंडर्स हैं मार्केट में, या आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम भी वो डॉक्यूमेंट्स आपको निकलवा कर दे सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर अपने पास रखें, डिग्री जरूर रखें, साथ में ही ट्रांसक्रिप्ट ले लें, साथ में ट्रांसक्रिप्ट अगर नहीं ली एट टाइम या ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हो, बट डिग्री कंपलसरी है, डिग्री नहीं लोगे तो बात नहीं बनेगी। अब दोस्तों मैं आप लोग बताता हूं क्या गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है वैसे के डॉक्यूमेंट्स में आगे और डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए। सबसे पहली गलती, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं। लोग क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, 10th भी, 12th भी, ग्रेजुएशन भी, मास्टर्स भी, और भी बहुत कुछ लगा देते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगाने हैं, पहली चीज। दूसरी बात, आप जब भी ये डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट और जब डिग्री अपनी भेज रहे हैं, वो जाना चाहिए यूनिवर्सिटी के पिन कोड से या फिर जहां पर यूनिवर्सिटी है उसके आसपास की कहीं की जगह से। अगर आपने पिन कोड चेंज किया कहीं और से भेजोगे तो वो भी वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो आपका नहीं चलेगा। अब आती है तीसरी बात, अगर आपने अपने ये कोर्स कंप्लीट किया है, फिजियोथेरेपिस्ट किया है, ये फार्मास्यूटिकल किया है, आपने मेडिसिन की स्टडी की या फिर एमबीए किया है, तो मेरी एडवाइस है कि आप जाइए IQAS के साथ, वहीं पर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइए असेसमेंट के लिए, वहीं से डॉक्यूमेंट्स आपके आगे जाएंगे और ये एसेस होगा। साथ में ही ये 5 साल की वैलिडिटी इसकी होती है, तो ये बिल्कुल ना माने कि 1 साल बाद मेरा तो टाइम खत्म हो जाएगा या फिर मुझे आईलेट्स मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूंगा। 5 ईयर्स तक का आपके पास टाइम है। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप ले रहे हो उससे पहले तो उस यूनिवर्सिटी को पहले ढंग से आप जांच पड़ताल कर लें, उस जहां से आप कोर्स अपना कंप्लीट करें, क्या वो वैस की लिस्ट में आता भी है, कहीं ऐसा ना हो कि वैस की लिस्ट में नहीं आता और आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तीनों के आप जवाब मुझे जरूर देना, कमेंट कर देना मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर या इंस्टाग्राम पर कमेंट करना या फेसबुक पेज पर जाके कमेंट कर देना। सबसे पहली बात, क्या आपने अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी ओरिजिनल डिग्री ली है? प्रोविजनल डिग्री से वैस नहीं होता, ओरिजिनल डिग्री आपने ली है और साथ में क्या ट्रांसक्रिप्ट ली है, क्योंकि ये भी एक तरीका है अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक से वेरीफाई कराने का, जिसके ऊपर पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने को, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन मेरा आप सभी लोगों से ये है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से कोर्स किया, क्या आपने उस यूनिवर्सिटी के बारे में चेक किया था कि क्या वो वेस्ट लिस्ट में है, क्या वो लिस्टेड है ECA की लिस्ट में है या नहीं, आप मुझे इसका रिप्लाई जरूर करना। और तीसरा जरूरी क्वेश्चन कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हम लोगों को आप जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, वहां पर मैं भी छोटी छोटी वीडियो या छोटे छोटे इंफॉर्मेशन डालकर वहां अपडेट करता रहता हूं, वहां से भी आपको बहुत आपको सहायता मिलेगी चीजों को जानने के लिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आप लोगों को आज बताया है ECA के बारे में और बताया आपको WES के बारे में, वेस के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। फिर भी कुछ क्वेश्चंस अगर रहते हैं आप हमें कमेंट करें और हमें बताएं हम आगे क्या इंफॉर्मेशंस दें आप लोगों को। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें और हमारी वीडियोस को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, लोगों को बताएं और भी जिन लोगों को जरूरत है हम लोगों की उन तक हम लोग पहुंच सकें। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो साथ बने रहने के लिए।